students, how are you? Good, okay. Let us start about our next topic. Our topic is increase and decrease in demand. ठीक है? आपकी क्या हो रही है? Demand में कुछ increment हो रहा है और कुछ decrement हो रहा है. उसके reasons क्या होते हैं? आपने कोई चीज की demand की, वो demand change हो जाए, क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, हो सकता है ऐसा? ठीक है, कई बार हम डिमांड ज्यादा करते हैं और कई बार हम डिमांड कम करते हैं. उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं? चेंज इन इनकम. आपकी इनकम का लेवल चेंज हो जाए. पहले आप ज्यादा अर्न करते थे और ज्यादा डिमांड करते थे, ठीक है. दूसरा, आपके टेस्ट चेंज हो जाए. अब क्या हुआ, विंटर्स हैं तो विंटर्स में आप क्या करते हो? आइसक्रीम कम खाते हो और जब समर आ जाएंगी तो आप आइसक्रीम क्या करोगे? ज्यादा परचेज करोगे. इसका मतलब क्या हो गया? आपके टेस्ट चेंज हो गए हैं तो आपकी डिमांड भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी. इसके कारण क्या होगा? आपकी डिमांड चेंज हो जाएगी और उसके कारण क्या होगा? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व. आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा, या तो वो ऊपर चला जाएगा या वो नीचे आ जाएगा. क्लियर? अब हम चलते हैं इसके टेबल और डायग्राम पे. सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड. अब हम क्या मान के चलते हैं कि विंटर चल, आपके समर चल रहे हैं, गर्मियां, गर्मियों का मौसम है, तो क्या हुआ है? आइसक्रीम के रेट और आइसक्रीम की कितनी आप डिमांड कर रहे हो. पहले कितनी डिमांड कर रहे थे और अब जब गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं तो आपकी डिमांड कितनी हो गई है. क्लियर? जब प्राइसेस कितने थे? 10 थे. आप कितनी क्वांटिटी ले रहे थे? 2 क्वांटिटी ले रहे थे. जिसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद होती है तो वो क्या कर रहे हैं? 2 क्वांटिटी ले रहे हैं. लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हुआ, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं हुआ है और क्या हो गया? आपने आइसक्रीम ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया है. इसका मतलब क्या हुआ? आपका डिमांड कर्व भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपकी क्वांटिटी भी चेंज हो गई है. इंक्रीज समझ में आ गया? प्राइस के कांस्टेंट रहने पर अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड. क्लियर? अब हम आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर. डायग्राम में आपने ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी लेनी है और ओ वाई एक्सिस पर आपने प्राइस लेने हैं. क्लियर? आपके यहां पर आइसक्रीम रेट क्या है? 10. पहले आप कितनी आइसक्रीम खरीद रहे थे? 2. 2 आइसक्रीम आप पहले परचेज कर रहे थे. अब क्या हो गया? आइसक्रीम क्या हो गई बढ़ के? 4 हो गई है. इसका मतलब ये आपका पहला डिमांड कर्व, ठीक है. अब यहां से क्या हो गया? 2 से शिफ्ट हो गया. आप कहां चले गए? 4 पर. D1 इज योर सेकेंड डिमांड कर्व, ठीक है. ये क्यों शिफ्ट हुआ है? क्योंकि आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है. इस लाइन से आप कहां पहुंच गए हो? ऊपर वाली लाइन पर. आपका डिमांड कर्व यहां से शिफ्ट होकर कहां चला गया है? ऊपर की तरफ. इसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड. डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? कमी हो गई. आप पहले ज्यादा चीजें परचेज कर रहे थे और अब क्या कर रहे हो? कम चीजें परचेज कर रहे हो. तो ये क्या है? डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है.
फिर आपका मौसम चेंज हो गया। पहले आप 4 आइसक्रीम परचेज कर रहे थे, प्राइजेस क्या थे 10, जब 10 प्राइजेस थे तो आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की 4 आइसक्रीम। जब प्राइजेस कितने हो गए 10, आपकी डिमांड कम हो गई, कितनी रह गई 2। डिमांड का कम होना क्या हो गया, डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, जब प्राइजेस के कांस्टेंट रहने पर डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं डायग्राम के ऊपर। यहां पर नीचे क्वांटिटी और ओएक्स ओवाई पर आपने क्या लेना है, प्राइजेस। सेम, जब प्राइजेस कितने हैं 10 रुपीज हैं तो आप पहले क्या कर रहे थे 4 आइसक्रीम परचेज कर रहे थे। योर फर्स्ट डिमांड कर्व, क्लियर। प्राइजेस सेम है, प्राइजेस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपकी डिमांड पहले से कम हो गई है। आपने क्या किया है 2 आइसक्रीम लेना स्टार्ट कर दिया है, तो D1 इज योर सेकेंड डिमांड कर्व। ठीक है, इस कर्व से इस कर्व पर मूव करना क्या है आपका, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है, ऊपर वाले कर्व से नीचे वाले कर्व पे आना, डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।